हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे रगड़ा, और जिसके लिए हमें चाहिए ये बटाना। इसको 12-13 घंटे भिगाना होता है, फिर उसके बाद इसे कुकर में बॉईल करें। बॉईल करते वक्त इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें, तो ये इस तरह से ये मतलब अच्छे से गलना चाहिए। ये बहुत टाइट होता है। और साथ में चाहिए एक आलू, ये बहुत अच्छी तरह से गला लिया है हमने। हम इसे मैश करेंगे। ये मैश कर लिया हमने आलू। साथ में हमें चाहिए मसाले, जिसमें रहेगा हरी मिर्च का मसाला, ये हरी मिर्च का पेस्ट, ये जीरा पाउडर एक चम्मच, छोटा चम्मच, ये गरम मसाला एक छोटा चम्मच, ये धनिया एक छोटा चम्मच, और हल्दी, नमक, खड़ी लाल मिर्च। साथ में चाहिए कटा हुआ टमाटर, 2 प्याज कटी हुई, इसके लिए कड़ी पत्ता, हरा धनिया, और नींबू, एक नींबू मतलब उसका पानी। और हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा तेल गरम करेंगे, कुकिंग ऑयल। ये देखिए, कुकिंग ऑयल गरम किया है। यहाँ हमें प्याज जो यूज़ करनी है, वो हमने जितना काटा था 2 प्याज, उसमें से थोड़ी सी रख लेनी है, मतलब लास्ट में यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर आधी ही प्याज फ्राई कर रहे हैं और आधा हमने रख लिया है। इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। देखिए, थोड़ी ब्राउन होने लगी है, हल्की सी ब्राउन हो जाए तभी इसमें हम ये लाल मिर्च, जो खड़ी लाल मिर्च है वो डालें, और साथ में कड़ी पत्ता। इसे थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। अभी देखिए, 1 मिनट बाद फिर इसमें डालिए हरा मसाला। अच्छे से फ्राई करें, हिलाइए इसे, और फिर इसमें बाकी के और मसाले, टमाटर वगैरह डालना है। अभी हम डालेंगे टमाटर। और इसमें डालेंगे आपके बाकी के सारे मसाले। इसमें नमक, हल्दी और सब बाकी के मसाले हैं। ये डालकर इसे 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। इसमें डालिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब। इसे मिलाइए अच्छे से। आपको नमक का टेस्ट आपको अपने हिसाब से डालना है। इसे थोड़ा सा 5 मिनट पकने देते हैं। ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये उबला हुआ बटाना। जो आलू हमने मैश किया था वो भी इसमें डाल दें। और इसको, और इसमें नींबू का पानी, अभी इसे अच्छे से मिक्स करें। अभी गैस एकदम स्लो है। इसमें ऐड करें हरा धनिया, ये हमारा रगड़ा रेडी हो गया है। हम इसे पाव के साथ सर्व करेंगे। तो पाव कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा, ना के बराबर ऑयल डालें, और पाव को बीच में से इस तरह से कट किया, उसे हल्का फ्राई कर लें। दोनों साइड से ये हम प्लेट तैयार करेंगे।
अब इसमें ऊपर से हमने जो कच्ची प्याज रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये हो गई प्लेट रेडी, इसे पाव के साथ सर्व करेंगे। ये हो गया हमारा रगड़ा तैयार, जिसको आप पाव से ब्रेड से सर्व कर सकते हैं साथ में टोमेटो केचप, और ये बहुत डिलीशियस है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।